हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टंकटिकलर्स। आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। सेहत और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके लिए हमने लिया है 1/2 kg चीनी, फिटकरी वाला पानी और 1 पाव आंवला। सबसे पहले हम आंवले को एक लेके ऐसे पिंच करेंगे फोर्क से। इतना पिंच करना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर चीनी जाके जज्ब हो जाए। सारे आंवले को इसी तरह से पिंच कर करके पानी में डालना है। इस तरीके से देखिए, ये बिल्कुल इसमें से पानी निकल रहा है। ये पूरी रात इसको डालना है, फिर सुबह में इसको बनाना है। सारे आंवलों को हमने पिंच करके फिटकरी के पानी में भिगो दिया है ओवरनाइट के लिए। अब इसे हम आंवले को खौलते पानी में डालेंगे ताकि जितना इसका कसावपन है निकल जाए। फिर जब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा तो फिर इसका पानी निचोड़ेंगे हम। ये सारे आंवले को ऐसे डाल दें। मैंने सारे आंवलों को डाल दिया है इसमें ताकि अच्छी तरीके से ये बॉयल हो जाए और इसका कसावपन पूरा निकल जाए अच्छी तरीके से। आंवला अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसे हम पानी इसका फेंकेंगे और सारे आंवलों को पानी इसका निचोड़ के रखेंगे। अब हम एक एक आंवले को ऐसे पानी इसका बिल्कुल निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद इसमें रखेंगे। इसी तरह सारे आंवलों को इसी तरह से पानी निचोड़ के रखना है। फिर हम एक पैन लेते हैं, उसमें चाशनी बनाते हैं। सारे आंवलों को हमने पानी इसका निचोड़ लिया है। अब इसमें हम पैन गरम करेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। इसमें 1/2 ग्लास वाटर डालेंगे। जब ये खौल जाएगा तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। फुल तार की चाशनी हो जाए तब इसमें हम आंवले को डाल के पकाना है 15 मिनट तक। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये चाशनी खोल रहा है। अब इसमें हम सारे आंवलों को डाल देंगे। जब तक पकाएंगे जब तक कि 2 तार की चाशनी ना हो जाए गाढ़ी बिल्कुल। आप इसे 1 साल तक बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। ये खूब इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसमें जज्ब हो गया है आंवले में चीनी। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। आंवले का मुरब्बा तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।